नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार्टअप चैंपियन शो के दूसरे संस्करण में। एक ऐसा टीवी शो जहां आप मिलते हैं उन स्टार्टअप फाउंडर से जिनको सम्मानित किया गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से। आज के एपिसोड में आप मिलेंगे एनवायरमेंट इंडस्ट्री के दो स्टार्टअप चैंपियन से, लूटल और इनोक्यूल। जरा सोचिए, आप अपने परिवार के साथ जा रहे हैं छुट्टियों पर और हाईवे पर आपको कहीं साफ रेस्टरूम चाहिए। साफ रेस्टरूम ढूंढना धान में सुई ढूंढने के बराबर होता है। हमारे देश में यह प्रॉब्लम महिलाओं के लिए तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। बाजार में बिकने वाले ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स को वो इस्तेमाल करती हैं हाइजीनिक तरीके से रेस्टरूम का इस्तेमाल करने के लिए। हमारे पहले स्टार्टअप चैंपियन ने इस प्रॉब्लम का एक नया समाधान निकाला है, केवल हाईवेज के लिए ही नहीं बल्कि शहरों में भी। आइए देखते हैं लूटर की कहानी। जब हम होम टाउन जा रहे थे, मुझे पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना था, लेकिन वो न हाइजीन था, न क्लीनिंग था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तब हमें लगा कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए स्पेशली वुमेन्स के लिए। हम एक कॉन्सेप्ट लेकर आए, हमने इस पर बहुत वर्कआउट किया, हमने जो डिज़ाइन तैयार किया। अगर आप कैफ़े के सामने खड़े हैं तो आपको नहीं लगेगा या दिखेगा भी नहीं कि पीछे वॉशरूम बने हुए हैं, या वॉशरूम की तरफ हैं आप तो आपको नहीं लगेगा कि आगे कुछ खाने पीने की चीज़ मिल रही है या आगे कुछ कैफेटेरिया है, कोई ऐसा कुछ है। पब्लिक टॉयलेट को लेके एक ब्रांड बनाना चाहते हैं हम, जहाँ पे हम क्वालिटी और शोर सर्विस लोगों को दे आने वाले 10-15 सालों के अंदर। जैसे आप हर चीज़ के लिए सर्विस के लिए एक ब्रांड सर्च करते हैं, वैसे ही हमारा विजन है कि इंडिया में आने वाले टाइम में जब आपको पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना हो तो आप लूटल आपके दिमाग में क्लिक करें। हमारा जो विज़न है कम्प्लीटली 360 डिग्री विज़न है। उसके अंदर कस्टमर सर्विस में हमें कहाँ पहुँचना है, ब्रांड बनाना अपने आप को, ऑपरेशंस में क्या इंप्रूवमेंट करने हैं हमें, कि हमारा ऑपरेशन पूरा टेक बेस्ड होना चाहिए, 101% ईच एंड एवरीथिंग टेक पे होना चाहिए। इनोवेशंस में हमें कहाँ बोलना चाहिए, हमारे आउटलेट जो है वो कैसे अपग्रेड करने, उसके लिए हमें ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, जहाँ पे हम पर फ्लश हम टारगेट करें 1 या 2 लीटर पानी ख़त्म करें, ह्यूमन वेस्ट से हम कितनी वैल्यू जनरेट कर पाएँ। यशवंत और नीलम, आप दोनों का स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण के इस एपिसोड में। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। आप लोगों का आइडिया बहुत यूनिक है, ये लू और कैफे का आइडिया आपको एक्चुअली आया कहाँ से? सर, टॉयलेट बेसिकली सबकी नीड होती है जी, है ना, लेकिन आप जब भी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अच्छे वॉशरूम नीड जरूरत होती है, लेकिन अगर आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, अगर उसको यूज़ करना नहीं करना दोनों बराबर होता है जी, कि वो साफ़ सुथरे नहीं होते हैं। तो जब मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद हम दोनों को लगा कि ये प्रॉब्लम छोटी नहीं है जी। इसको लेकर मतलब इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है कि जाने दो ठीक है हो गया तो हो गया, नहीं, उसको लेकर हमने बहुत रिसर्च किया कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तब हमें एक कॉन्सेप्ट लगा कि इसमें हम ये वर्कआउट कर सकते हैं, तब हम एक लूटल लेकर आए जी। आज तक कितने लूटल्स ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे देश में? अभी 3 स्टेट पे लूटल है, MP में 2 है और छत्तीसगढ़ में है और तमिलनाडु में है। बहुत इंटरेस्टिंग है। और आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज कितने लोग एक दिन में लूटल का इस्तेमाल करते हैं? एक दिन में अगर एक आउटलेट की बात करूँ तो 150-200 समथिंग एक आउटलेट पे रहता है। तो मतलब अक्रॉस आज भारत देश में जितने भी आपके आउटलेट हैं वहाँ पे करीब 500 से 700 अबाउट रोज इस्तेमाल करते हैं। और उनका फीडबैक कैसा है? उनका फीडबैक बड़ा अमेजिंग है एक्चुअली, स्पेशली फीमेल्स का, कि मतलब कि वो सरप्राइज होते हैं कि इतना क्लीन टॉयलेट्स, और इसीलिए हम उसको हैप्पी वॉशरूम्स कहते हैं। अरे वाह, हमारा ग्रीटिंग वर्ड ही यही है, हैप्पी वॉशरूम्स। इंटरेस्टिंग। आपकी एक स्ट्रेटजी है जिसको आप लोग कहते हैं 3R स्ट्रेटजी, ये क्या है? 3 R's में एक्चुअली बिफोर कोविड जो हमारा मॉडल था कैफ़े और टॉयलेट था 50-50% पे, लेकिन कोविड के बाद हमने अपग्रेड किया और फाइनेंशियल सस्टेनेबल बनाने के लिए, तो हमने रिचार्ज, क्योंकि किसी भी व्हीकल को रिचार्ज करने के लिए एटलीस्ट 15-20 मिनट चाहिए, तो 15-20 मिनट्स में आप करोगे क्या जी? तो रिचार्ज, रिफ्रेश एंड रिफ्यूल, तो इस कंप्लीट टेक ब्रेक का जो कॉन्सेप्ट बनाया हमने, रिचार्ज, रिफ्रेश और रिफ्यूल। आइए अपना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल रिचार्ज कीजिए, रिफ्रेश हो जाइए और अपने आप को आपका जो कैफे है वहाँ पे खाइए पिए और रिफ्यूल हो जाइए। अरे वाह, तो आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप लोग पैसा बनाते कैसे? सो हम बिजनेस जो मॉडल है हमारा फ्रेंचाइज मॉडल है जी। फ्रेंचाइज में हमने पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप किया ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट का, तो हम उसकी फ्रेंचाइजी, मतलब इंडिया में हम पहली बार पब्लिक टॉयलेट की फ्रेंचाइजी सेल कर रहे हैं, तो उस फ्रेंचाइजी में हम मंथली उससे चार्ज करते हैं,
और उनको पूरा एक सिस्टम देते हैं ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट का। और कैसा इंटरेस्ट आ रहा है आज आपके पास फ्रेंचाइजी के लिए? अभी काफ़ी लोगों से इंटरेस्ट आ रहा है, दिल्ली से हमारे पास में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहे हैं, लोग स्पेशली हाईवेज के लिए काफ़ी इंटरेस्ट लेके आ रहे हैं। अभी हम ऑलमोस्ट 15-20 आउटलेट्स हमारे पाइपलाइन में है अभी। अरे वाह। और जब आपने अपना पहला आउटलेट खोला, या आप स्ट्रैटेजी पे आपसे एक प्रश्न करता हूँ, जब भी आप लोग अपना ऐसा कोई आउटलेट खोलते हैं या आप फ्रेंचाइजी देते हैं, तो वो किन एरियाज में देते हैं जहाँ हाई फुटफॉल हो, या कैसे आप कैसे चूज करते हैं एक अच्छा एरिया ताकि आपके फ्रेंचाइजी को फायदा हो? सो एक्चुअली इसके ये कॉन्सेप्ट जो है ट्रांजिट टॉयलेट का कॉन्सेप्ट है एक तरह से, कि हम लोग टॉयलेट के लिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं जाएंगे जी। तो हमने बहुत स्मार्टली प्ले किया उसमें, कि हमने पहले उन्हीं लोकेशन को टारगेट चालू किया जहाँ पे ऑलरेडी क्राउड है, लोग वहाँ पे भीड़ है, शॉपिंग मार्केट से या कोई, जैसे हमारे जो चारों टॉयलेट है, एक मंदिर पे, एक बस स्टैंड पे, और एक मेन मार्केट एरिया में, और एक मेन चौराहे पे। अरे वाह। सो हम भीड़ तो वैसे ही लोगों की काफी रहती है। आप एक B2B और B2C कंपनी दोनों ही है, तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है? आप कैसे एंगेज करते हैं अपने कस्टमर्स को, फ्रेंचाइजी को भी और एंड कस्टमर को भी? तो फ्रेंचाइजी के लिए तो ऑब्वियसली हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग हम यूज़ कर रहे हैं, और कस्टमर को एंगेजमेंट करने के लिए स्पेशली लोकेशंस, क्योंकि हम लोगों को ये नहीं कर सकते आप 5 किलोमीटर के लिए टॉयलेट ट्रैवल करके आइए, तो हम लोकेशंस के लिए और स्मार्ट कार्ड, हमने कस्टमर को रिटर्निंग कस्टमर को बढ़ाने के लिए हमने स्मार्ट कार्ड डेवलप किए, लाइक अ दिल्ली मेट्रो काइंड ऑफ थिंग। अच्छा। तो आप स्मार्ट कार्ड यूज़ कीजिए और उसमें हम डिस्काउंट देते हैं आपको रेगुलरली। तो जो शॉपकीपर्स है, जो डेली यूजर्स हैं, वो रिटर्निंग यूजर्स है, लेकिन आप शॉप पे आपके 4 कस्टमर आते हो, तो इंस्टेड ऑफ द टी आप उनको ऑफर वो पूछते हैं वॉशरूम कहाँ जाना है, तो वो कार्ड देते हैं, उनके कार्ड लेके टॉयलेट यूज करने आते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सो आपकी सेल्स स्ट्रेटजी क्या है, जब आप फ्रेंचाइजी के पास जाते हैं तो आप पहली चीज उनको क्या बताते हैं, और आप फ्रेंचाइजी को सपोर्ट कैसे करते हैं? तो सेल्स स्ट्रेटजी बहुत यूनिक है, कि नॉर्मल जो अदर, मतलब मोस्टली जो कैफे बिजनेस होते हैं, अदर कैफे बिजनेस, वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं कैफे पे जी। लेकिन ये बहुत अच्छा क्रॉस सब्सिडाइज सिस्टम है इसमें फ्रेंचाइजी में, क्योंकि टॉयलेट जो है वो एक्स्ट्रा यूजर बेस देता है कैफेटेरिया को, और कैफेटेरिया देता है फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी टॉयलेट को। बहुत बढ़िया। सो कैफेटेरिया में जो एक्स्ट्रा बिजनेस मिलता है वो टॉयलेट से मिलता है। इंटरेस्टिंग। आपने अपने बिजनेस को फंड कैसे किया, आपने कोई एक्सटर्नल फंडिंग उठाई आज तक? अभी तक तो नहीं। हमने जब लुटल स्टार्ट किया तब हमने एक्चुअली लुटल बूटस्ट्रैप स्टार्टअप है, तो हमने फैमिली से, फ्रेंड्स से और बैंक से हमने फंड। अरे वाह, तो फैमिली फ्रेंड्स ऐसी होनी चाहिए, फैमिली बढ़िया। सो लाखों भारतीय आज आपको सुन रहे हैं इस शो पे, आपको क्या संदेश है उन सबके लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं जी। या तो उस प्रॉब्लम से आप, प्रॉब्लम में आप भाग लीजिए या वहाँ से भाग लीजिए। तो मैं, हम, हमारे साथ में जो प्रॉब्लम आई हमने उसमें भाग लिया, देन हम कंटिन्यू करते हैं। और जिस प्रॉब्लम पे या जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं, जिस विज़न पे आप काम कर, वो विज़न बड़ा होना चाहिए। मतलब आप अपने लाइफ में अगर विज़न बड़ा नहीं बनाएंगे तो कहाँ, और विज़न को बढ़ाने के बाद में, बड़ा बनाने के बाद में आप उसके ऊपर पूरा पेपर वर्क कीजिए, प्लान कीजिए। विदाउट एजुकेशन, मतलब प्लानिंग के आप जाओगे ना, प्लान फेल होने के लिए होता है, एग्री, लेकिन एटलीस्ट वो तो प्लान कीजिए। आपने 80% फेल होने के लिए प्लान बना लिया ना, तो एटलीस्ट आपके पास 20% होने का ही फेल होने का चांसेस है। तो प्लान कीजिए, बड़ा विजन बनाइए। फैंटास्टिक। सो ऑन दैट नोट, इस सेशन से आपके फायदे की सबसे बड़ी 2 लर्निंग्स ये हैं। पहले तो जो, जैसा कि मैम ने कहा, या तो भाग लीजिए किसी प्रॉब्लम में या भाग लीजिए, आपकी मर्जी है। सो कस्टमर की किसी ऐसी समस्या का समाधान कीजिए जो उसे रोज जिंदगी में आती हो, या आपको उस आपकी रोज जिंदगी में आती हो। नंबर 2, बिजनेस आइसक्रीम की तरह होना चाहिए भाई, ताकि आप आसानी से फ्रेंचाइजी बना सके, फ्रेंचाइजी को बता सके कि आपका बिजनेस आखिर है किस बारे में। समय है अब एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप मिलेंगे अगले स्टार्टअप चैंपियन से। इन्होंने मिट्टी से सोना सच में बना के दिखाया है। अगर जानना चाहते हैं कैसे, तो मिलिए मुझसे इस ब्रेक के बाद। स्टार्टअप चैंपियन स्टूडियो में आपका स्वागत है। अब समय है हमारे दूसरे स्टार्टअप चैंपियन से मिलने का। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी, सबसे बड़े डैम, सबसे बड़ी बिल्डिंग्स, इन सबको बनाने में स्टील का इस्तेमाल होता है। लेकिन हाई ग्रेड स्टील बनाना कोई आसान काम नहीं है। भारत सरकार ने टारगेट रखा है स्टील की प्रोडक्शन को 300 मिलियन मेट्रिक टन तक पहुंचाने का 2030 तक। आज हम 120 MMT प्रोडक्शन करते हैं, ये कैसे होगा पॉसिबल? स्टील कंपनियों को अपनी एफिशिएंसी तो बढ़ानी ही होगी।
तरीका निकाला हो, ऐसा कोई निकालना होगा जिससे लो ग्रेड स्टील को ज्यादा एफिशिएंसी के साथ प्रोसेस किया जा सके। ठीक यही करके दिखाया है हमारे स्टार्टअप चैंपियन ने। आइए देखते हैं इनोक्यूल की कहानी। इनोक्यूल एक्चुअली हमने 2014 में स्टार्ट किया और हम लोग भुवनेश्वर शिफ्ट हुए तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा गैप है मिनरल इंडस्ट्री में, कोई रिसर्च नहीं है, कोई ज़्यादा इनोवेशन नहीं है, जबकि मिनरल इंडस्ट्री हमारी इकॉनमी को इतना ज़्यादा उसकी कंट्रीब्यूशन है। IMMT लैब है भुवनेश्वर में, इट्स अ CSIR लैब, वहाँ पे हमने कुछ कोलैबोरेशन किया एंड वहीं पे हमारा छोटा सा एक ऑफिस, लैब कम ऑफिस था, वहाँ से स्टार्ट हुआ। काफ़ी सारे हमने प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करना शुरू किया, उन्होंने हमें काफ़ी इनक्रेज किया, कोलैबोरेशन भी। तब एक्चुअली इन द रेगुलर फ्रेमवर्क दे जनरली डोंट कोलैबोरेट विथ स्टार्टअप्स, दे उन्होंने क्या किया एक्चुअली अपने रूल्स को बेंड करके स्पेशल परमिशन लेके हेड ऑफिस से हमारे साथ कोलैबोरेट किया विथ ए वेरी सब्सिडाइज रेट। 110 साल पुराना एक प्रॉब्लम का चैलेंज है जो इनोक्यूल आज उसको सॉल्व करने के पीछे लगा है। जब अलूमिना प्रोसेस होता है तभी कम से कम 1 टन अलूमिना से 2.7 टन का एक वेस्ट जनरेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडमड। उसी रेडमड को कैसे वैल्यूबल जनरेट किया जा सकता है उसी ऊपर हम लोग हम लोग एक प्रोसेस को डेवलप किए हैं जो कि पूरा पर्यावरण अनुकूल एक प्रोसेस है। 30% ऑफ वेस्ट को हम लोग मिनिमाइज कर रहे हैं एंड देन अगेन सेम प्रोसेस में ही हम लोग जो वैल्यूबल उसको जनरेट कर रहे हैं उसको बहुत सारा अलग प्रोसेस में हम लोग सेम एलुमिना के प्रोसेस में हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। ज्ञान और सुरभि, आप दोनों का स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 इस एपिसोड में। सबसे पहले सवाल से मैं शुरुआत करता हूं आपके साथ, अभी तो बाकी ये प्रॉब्लम आखिर आपको समझ कैसे आई? मैं पानीपत में जॉब करता था इंडियन ऑयल में। एक्चुअली तब मैं पानीपत से भुवनेश्वर जाने के लिए एक्चुअली प्लान किया। तब मेरा एक फ्रेंड रमेश जो कि IIT में मेरा सीनियर था, ही वाज वर्किंग इन द स्टील इंडस्ट्री, सो आई वांटेड टू मीट हिम। तो वहाँ पर एक्चुअली उनसे जब मैं मिला ही वाज वेरी हैप्पी, उनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा चल रहा था एंड प्लांट कैपेसिटी से ज़्यादा वो लोग प्रोड्यूस कर पा रहे थे और स्टील भी ऑल टाइम डिमांड हाई था। फिर 7 साल के बाद मुझे फिर से मौका मिला, फिर मैं भुवनेश्वर गया तो उनसे फिर से मिला। तब एक्चुअली मैं देखा कि रमेश जो है बहुत दुखी थे, बहुत टेंस थे। मैं उनको पूछा कि ऐसा क्या हो गया, तो व्हाट ही रियल उन्होंने बताया कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम इसलिए हुआ है क्योंकि 7 साल में जब एक्चुअली उनका जो माइंस का लेवल है काफ़ी नीचे चले गए हैं तो जो ओर क्वालिटी हैज़ डिटोरिएटेड, तो इसीलिए एक्चुअली उनका जो एफिशिएंसी, प्लांट का एफिशिएंसी हैज गॉन डाउन बाय 50%। तो तब हमारे पास इनोक्यूल हम लोग फॉर्म किए नहीं थे जी। तो व्हेन वी फाउंडेड इनोक्यूल दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हम लोग सॉल्व करना चाहते थे। अरे वाह, तो इनोक्यूल की असली कहानी ये है, बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल नहीं है, अब मैं चाहता हूँ आप हमें एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं, हमें बताएं कि आपने मिट्टी से सोना निकाला कैसे है, हमारे ऑडियंस वो समझना चाहते हैं। बिल्कुल, ये लीजिए, तो ये है आपकी आपकी ही धरोहर। आप बताइए यहाँ पे मिट्टी क्या है और सोना क्या है और कहाँ आपकी मैं मदद कर सकता हूँ, मुझे बताइए। ये जैसे एक एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का वेस्ट है, दिस इज ए ऑलमोस्ट लाइक मिट्टी, और ये हम लोग वर्ल्ड वाइड 175 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ वेस्ट जनरेट करते हैं। तो मैं जरा पूछना चाहता हूँ ये क्या है प्लेट में, ये आप कह रहे वेस्ट है, ये खराब है? जी बिल्कुल, ये एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, जो एल्यूमिनियम बनता है तो 1 टन एल्यूमिनियम में 3 टन के आसपास ये जनरेट होता है। आई तो मिट्टी है, तो इससे एक्चुअली हम लोग एक प्रोसेस डेवलप किए हैं, इसमें बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं बहुत ही लो परसेंटेज में, तो आप मुझे वो देंगे? जी जी, ये है, ये इससे हम लोग एक्चुअली ये एक प्रोसेस डेवलप किए हैं जिससे एक्चुअली इस मिट्टी से ये हम लोग निकालते हैं। जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट है, बहुत ही रेयर है एज द नेम सजेस्ट, और बहुत ही वर्ल्ड वाइड हर ईयर एक्चुअली हम लोग इसको शायद 20 टन ही प्रोड्यूस होता है ओनली, बस तभी इसको सोना कहा जाता है, ये इतना महंगा है। तो आज आप लोगों ने अपने सामने, अपनी आंखों के सामने देखा है कैसे वेस्ट से, मिट्टी से लिटरली इन्होंने सोना निकाला है। ये स्कैंडियम ये कहां इस्तेमाल होता है? स्कैंडियम का हाई एंड एप्लीकेशन है, हाई टेम्परेचर एल्यूमिनियम एलॉयज में ये यूज होता है, फिर डिफेंस एप्लीकेशन में यूज होता है,
एंड बिकॉज इट्स रेयर तो इसका यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, बट हम लोग यूज़ करते नहीं हैं कि बिकॉज इट्स रेयर, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, 1 ग्राम कॉस्ट अराउंड 200 रुपीज़। इंटरेस्टिंग। ना ये पहले मैं आपसे ये सोना ले लेता हूँ क्योंकि ये सोना मेरे पास रहना चाहिए। चलिए अब आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप लोग पैसा कैसे बनाते हैं? जी ये B2B बिजनेस मॉडल है जी। जो इनोवेशन से हम लोग कुछ जो प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं अपने R&D के बाद, तो R&D के बाद ये डेवलप होने के बाद हम लोग नॉर्मली जैसे मेजर मिनरल हाउसेस में जाते हैं, उनके ऑपरेशनल प्रॉब्लम समझते हैं और उनको प्रॉब्लम हमारे सॉल्यूशंस बताते हैं। तो सॉल्यूशंस में दो पार्ट हैं, सप्लाई ऑफ द केमिकल्स, अच्छा, फिर अलोंग विद द सर्विसेज ऑन द साइड सर्विसेज बिकॉज प्लांट्स आर बिजी इन देयर प्रोडक्शन। ओह इंटरेस्टिंग। तो मतलब आप उनको अपना केमिकल भी दे रहे हैं और साथ में आप उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उनको सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपकी सेल्स या मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है? क्या आपके पास अलग से कोई टीम है सेल्स या मार्केटिंग करने के लिए, या फिर अपना प्रोडक्ट डेमो या वर्ड ऑफ माउथ ही इतना स्ट्रांग है कि भाई अपने आप ही लोग आप तक पहुंच जाते हैं? इनिशियली तो कोई टीम नहीं था, एक्चुअली हमारा R&D टीम जो थे हम लोग सब कुछ मिलके सब कुछ करते थे जी। अभी सेल्स टीम है, हमारे पास सेल्स टीम है, देयर मेन रोल इज एक्चुअली जाके बिजनेस लाना जी। तो सेल्स एक सेल्स टीम है, एक सर्विस टीम है जी, एंड देयर इज R&D टीम। So they work hand in hand to get customers. मैं ऐड करना चाहूँगी कि जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग डेवलप किए हैं काफ़ी इंटेंसिव रिसर्च के बाद, जैसे पहला प्रोडक्ट हमें करने के लिए 3 साल लग गए, तो 3 साल काफ़ी ज़्यादा R&D अभी भी हम एज अ कंपनी भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं। हमारे खुद का भी लैब है, काफ़ी सारे कोलैबोरेशन भी करते हैं विद नेशनल लेबॉरटरीज, इवन विद कॉर्पोरेट क्लाइंट्स ऑल्सो दे आर गिविंग देयर R&D टू अस। तो वो R&D भी अपना आउटसोर्स करते हैं एक्चुअली आप लोगों जॉइंट R&D ऑफ कोर्स। मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से ये है कि इस वक्त लाखों भारतीय आप लोगों को सुन रहे हैं, राइट? आजकल वो जमाना सोशल मीडिया का है, तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम नई नई कंपनियां स्टार्ट करें, एंटरप्रेन्योर बने, सब कुछ बड़ा कूल हो गया है, लेकिन आप लोगों ने कोई ऐसी प्रॉब्लम निकाली जो सिर्फ ये नहीं थी कि बस मैं कोड लिख दूं और $1 बिलियन कंपनी बना लूं। आज आपने करोड़ों रुपए की ये कंपनी खड़ी कर दी है करोड़ों रुपए के रेवेन्यू के साथ, आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को? तो मैं तो यही बोलूँगी कि जैसे कूल हो गया है वैसा नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ डिफ़िकल्ट जर्नी, लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं एंड अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो नॉट जस्ट फॉर योरसेल्फ बट यू आर हेल्पिंग द एंटायर कम्युनिटी एंड द सोसाइटी, सो इफ़ यू थिंक इन दोज लाइन्स गो फॉर इट। बहुत सही। तो पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं बनाना है, लेकिन एक्चुअली अगर आप एक अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो वेल्थ तो बनेगी बनेगी, लेकिन आप सोसाइटी और अपनी कम्युनिटी की भी मदद कर पाएंगे। इस सेशन से आपके फायदे की दो बड़ी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से नोट बना लीजिए। सबसे पहला, अगर आपको विज्ञान पता है तो मिट्टी से भी आप सोना निकाल सकते हैं, और नंबर दो, दुनिया में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, सबसे पहले इनके बारे में जानिए तभी आप इनका समाधान कर सकेंगे। दुनिया अच्छे दोस्त ढूंढ रही है, सब ढूंढते हैं, आप अच्छी प्रॉब्लम्स ढूंढिए। अब समय है एक छोटी सी ब्रेक लेने का, और ब्रेक के बाद होंगे आपके सवाल और हमारे इन स्टार्टअप चैंपियंस के जवाब, तो कहीं मत जाइए, मैं मिलूंगा अब आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण के इस एपिसोड में, और अब बारी है ऑडियंस के सवाल लेने की। आप लोग तैयार हैं? जी एकदम पक्का। पक्का। चलिए सुनते हैं अपना सबसे पहला सवाल ऑडियंस से। मेरा नाम राहुल है, मैं झारखंड से। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जब कोई आपकी फ्रेंचाइजी लेता है तो फ्रेंचाइजी इंश्योर करने के लिए आप उन्हें क्या सपोर्ट देते हैं? सबसे पहले लोकेशन सेलेक्शन, हम परफेक्ट लोकेशन पर सेलेक्ट करके बिजनेस देते हैं। दूसरा, हम उसका पूरा टेक सपोर्ट देते हैं, ऑपरेशन का जो भी टेक सपोर्ट, सर्विलेंस के लिए CCTV सर्विलेंस, पूरा सप्लायर डेवलपमेंट करते हैं उनके लिए, और पूरा बैकएंड में उनके लिए सर्विलेंस से लेके पूरा बैकएंड सपोर्ट में जितनी भी MIS रिपोर्ट्स होती है, जितना भी डेटा है हम मॉनिटर करते हैं उनके लिए और क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। तो एक तरह से हम उनको पूरा एक मैकेनिज़म दे रहे हैं, फ्रेंचाइजी से एक मैकेनिज़म होता है जिस मैकेनिज़म के थ्रू वो पैसा बनाता है। अरे वाह। हाँ। और ये पूरा प्रोसेस मान लीजिए अगर आपकी फ्रेंचाइजी फॉलो ना करे तो क्या होगा? हम उनसे मतलब उनसे साथ बिजनेस नहीं करते हैं, क्योंकि हम लूटल जो है टॉयलेट की क्वालिटी के लिए
अगर वो हमारा प्रोसेस और मैकेनिज्म पूरा नहीं करते तो हम उनके साथ बिजनेस नहीं करते। बहुत सही, इसका मतलब बहुत साफ है कि लूटर की जो टीम है वो अपनी फ्रेंचाइजी को जेन्युइनली सशक्त करना चाहती है ताकि वो प्रॉफिट बनाए, अपना बिजनेस आगे बढ़ाए। अब बारी है हमारे दूसरे सवाल की, देखते हैं अब ऑडियंस अपना दूसरा सवाल क्या पूछेंगे। मेरा नाम ललित कुमार है और मैं हरियाणा से हूँ। मेरा क्वेश्चन है, जब आप अपनी कंपनी में किसी को रखते हैं तो आप किन क्वालिटीज को देखते हैं? मैं शुरुआत करूंगा हमारे विजन से। हमारे विजन ये है कि एज ए कंपनी हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को समझना चाहते हैं, समझ के ह्यूमन सोसाइटी में कैसे इम्प्रूवमेंट आएगा उसको अप्लाई करना चाहते हैं। सो इफ़ दैट इज़ द गोल देन आवर हायरिंग्स आर ऑल्सो इन दैट डायरेक्शन। तो हम लोग जब भी किसी को हायर करते हैं तो ये देखते हैं कि उसकी इंक्विजिटिवनेस कितना है, फर्स्ट इंक्विजिटिवनेस, सेकेंड एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, क्योंकि हम लोग इट्स ए स्टार्टअप, वी डू लॉट ऑफ मल्टीटास्किंग, तो हमें ये चाहिए कि बार बार किसी को पुश ना करना पड़ेगा, ओवरऑल सब कुछ लेके ओनरशिप लेके कोई कर पाए। तो मतलब ओनरशिप हो बहुत ज़्यादा, प्रॉब्लम सॉल्विंग अंदर हो उस इंसान के, और विज्ञान में इंटरेस्ट और रुचि बहुत ज़्यादा हो, है ना। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो अभी के अभी इस एपिसोड को देखने के बाद अपना सीवी भेज दीजिएगा आप इनोक्यूल को, हो सकता है आप इनकी कंपनी में हो जाएं हायर। लर्निंग से ही बढ़ती है अर्निंग, ये तो आपको पता है, तो इसलिए आज आप लेंगे 7वां कदम अपने बिजनेस को खड़ा करने का और बड़ा करने का। अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाएं। अब तक आपने जाना आइडिया वैलिडेशन, MVP और बिजनेस प्लान के बारे में, अब आप तैयार हैं अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए। तीन बातों का जरूरी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले एक वर्चुअल CFO हायर कीजिए। ये CFO क्या होता है? ये होते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये आपकी कंपनी की फाइनेंशियल दिशा और दशा को सही रखते हैं। लेकिन एक स्टार्टअप के पास इतना सारा पैसा तो होता नहीं कि वो CFO हायर कर पाए। आप लोगों ने CFO आज तक कोई हायर किया है क्या? नहीं ना। इसीलिए वर्चुअल CFO, यानी ये वो लोग हैं जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन ये वो लोग हैं जो आपको मदद कर सकते हैं, पर आप उनको फुल टाइम हायर नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग आपको कहां मिलेंगे? CA फर्म्स या लॉ फर्म्स के पास। नंबर दो, अपनी स्टार्टअप को DPIIT के साथ रजिस्टर कराइए ताकि आपको स्टार्टअप इंडिया स्कीम का, स्टार्टअप इंडिया के इस पूरे इनिशिएटिव का फायदा मिले। आप लोगों ने रजिस्टर करवाया अपना? जी, बहुत सही। और नंबर तीन, किसी भी एक अच्छी CA फर्म यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म या लॉ फर्म को हायर कीजिए जो आपको कॉन्ट्रैक्ट्स बना के दे पाए। हायरिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने होते हैं, आप जब किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होते हैं। ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स ना बहुत जरूरी होते हैं, बहुत सारे फाउंडर्स का समय इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाने में निकल जाता है, आप ये गलती मत कीजिएगा। तो आज आपने लिया वो 7वां कदम अपने बिजनेस को, अपनी स्टार्टअप को और भी ज्यादा सफल सक्सेसफुल बनाने का। कैसा लगा आपको आज का ये शो, हमें बताइए अपने फीडबैक से। अपनी वीडियोस बनाकर शेयर कीजिए सोशल मीडिया पर और हैशटैग इस्तेमाल कीजिए #StartupChampions2। साथ ही इस दिए हुए ईमेल आईडी पर भेजिए हमें अपनी वीडियोस। अगले एपिसोड में आप मिलेंगे हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री के स्टार्टअप चैंपियन से। इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। डायबिटीज कंट्रोल हो सकता है डिजिटली। कुछ बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, बड़ा सोचना चाहते हैं, तो आज इंडिया ही वो मार्केट है जो हमें वो एक्सेस देती है। ओरल कैंसर जो है ना, वो इंडिया में भी नहीं पूरा संसार में पड़ा है, और इंडिया में 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया से आता है।